स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। कल रात को सड़क पे वो लड़की कीर्ति ही थी, फिल्म नगर का डाउन रोड में देखा उसको। 3 दिन से कॉल कर रहा हूं लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं है। और कल रात वो वहां, उसको वहां जाने के लिए टाइम है लेकिन मेरा फोन आंसर करने के लिए टाइम नहीं है क्या? फरहाद, तू आज इस कीर्ति के पीछे एक आदमी को भेज दे। तन एक्कड़ केल्तुंदी, एम चेस्तुंदी, एवरितो मात्लाडुतुंदी, सब इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए। क्या हुआ? अन्ना वो खून? वो खून मेरा ही है। वो कल रात को चोट लगा था ना, इसलिए। अयो, कभी लगा? मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। क्यों? तुमको मेरा खून देके तकलीफ आता है क्या? तुम मेरा बाप है क्या? तुमको इस घर और किचन का काम संभालने के लिए सैलरी मिलता है ना, और टाइम को मिलता है ना, फिर नकली प्यार काई को? चलो निकलो, मैं ब्रेकफास्ट बनाओ। जी अन्ना। क्या फरहाद, बात करने की तमीज ही नहीं है? थोड़ा प्यार से जवाब देता तो क्या होता? लगता है इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं प्यार के साथ। करेक्ट बोला, प्यार से कोई वास्ता नहीं और चाहिए भी नहीं। तुम जैसा लोग प्यार को बहुत सस्ता बना दिया है। मुझे पता तुम लोग क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में, बट आई डोंट केयर। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, लेकिन उस पैसा के लिए तुम जैसा लोग मुझे जितना नफरत करें तो भी तुम लोग मेरे साथ ही रहता है। तो शट अप एंड गेट आउट। प्यार, माय फुट। हर बार तू कैसे पहचान लेती है जबकि हर बार मैं दबे पाता हूँ? आपके कुर्ते के जेब में जो सिक्के रहते हैं ना हमेशा, उसकी खनखनाहट से उसे पता चल जाता है ना। अरे कुछ नहीं है, ऐसे तुम्हारी चूड़ियाँ बजती रहती है। मेरी चूड़ियाँ नहीं बजती, देखो। बस बस, हाय बाबा। आप दोनों को पहचानने के लिए मुझे कोई आवाज की जरूरत नहीं है, आपके होने का एहसास ही काफी है मेरे लिए। अरे वाह, मला वाटलंच होतं, मेरे घर आने तक तूने लूम पूजा की पूरी तैयारी कर ली होगी। आता मी काय करू? ही नहीं, आप बस जाके तैयार हो जाओ। मैंने आपके लिए बाबा ने बुनी हुई आपकी फेवरेट नवारी साड़ी निकाल के रखी है। बाबा, आज आपके लिए भी बहुत खास दिन है। आज से 35 साल पहले आप लोग कोल्हापुर से हैदराबाद आए थे और आज आपका नाम अपने आप में विश्वास की एक मोहर बन चुका है। आपके लिए भी खास कपड़े निकाल के रखे हैं मैंने, जिनमें आप खरा और सच्चा मराठा लगेंगे, ताकि लोगों को दूर से ही नजर आ जाए कि हैदराबाद का सबसे अच्छा बुनकर विजय देशमुख आ रहा है। बुनकर हूं नहीं बेटा, बुनकर था, हार्ट अटैक क्या आ गया। 2 साल हुए हैं, मैंने इस धागे को छुआ भी नहीं है। लगता है ये सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। बाबा, बाबा, जैसे एक शिक्षक हमेशा शिक्षक रहता है, वैसे ही एक बुनकर हमेशा बुनकर रहता है। आज हमारे समाज का सबसे अहम दिन है, हमारी लूम पूजा। आपकी कला का यहाँ लोगों ने बहुत सम्मान किया है बाबा, इसलिए जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, वरना मुझसे डांट खाओगे। अरे बाप रे, ओके ओके माजी आजी। तो तैयार में, लेकिन इस मराठी सेना के बाकी सारे सेनानी कहाँ हैं? काका, आपकी सेना का एक सैनिक यहाँ है काका। गुड मॉर्निंग काकू। गुड मॉर्निंग।
अरे भाई बाकी सब कहाँ हैं? वही जहाँ उन्हें होना चाहिए। मेरी आई और मेरी छोटी बहन अपनी ब्यूटी स्लीप कंप्लीट कर रहे हैं और बाबा बाबा अब किचन में। अब बिना लेमन हनी टी के मेरी आई की गुड मॉर्निंग कहाँ होती है। अरे देवा काका ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? उन्हें किचन में शायद तो मिलेगा ही नहीं। राघव का ज्वेलरी स्टोर में इतना घटिया डिजाइन, डिजाइनर को आज ही निकालना पड़ेगा। रूपल हेलो, राघव कहाँ हो तुम? पिछले 3 दिन से तुम्हें फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे हो। एक तो आधा नल का काम करके गए हो और ऊपर से मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहे हो। क्या 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 क्या? उस दिन तो बड़ा कह रहे थे कि आधे घंटे का काम है, यू हो जाएगा। तुम्हारा आधा घंटा अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी व्हाट? अच्छा तो यहाँ का प्लम्बिंग का काम छोड़ के तुम वहाँ बैठ कर इंग्लिश क्लासेस ले रहे हो। प्लम्बिंग तो तुम्हें अच्छे से आती नहीं है। प्लम्बिंग और मैं? नहीं तो कौन? मैं प्लम्बर ही प्लम्बिंग करेगा ना, या मैं करूँगी? Hey you, excuse me. इंग्लिश सीख के सारी जेंटलमैन गिरी मुझ पे ही दिखाओगे क्या? चुपचाप आके यहाँ पे अपना काम करो। और हाँ सुनो, आते वक्त ड्रेनेक्स लेकर आना, नाली तुम्हें साफ करनी है। Shut up, just shut up. How dare you, रूपल? रूपल? तुम क्या बोल रही हो तुम? ये तो रॉन्ग नंबर था। देखो मुझे मेरा फोन कट कर दिया। What the hell? बच गए, वरना जितना सुनाया था उसका डबल सुनने पड़ता। आवाज़ ही सड़ू लग रहा था। मैं प्लम्बर दिख रहा क्या उसको? ये रूपल को तो ऑफिस जाके बात करूंगा मैं। सही लड़की टकराए सर से आज, ऐसी लड़की सीधी करेगी इस खड़ूस को। अगले महीने शादी है मेरी, मुझे अब तक ठीक से तैयार होना तक नहीं आता। बप्पा क्या होगा मेरा तेरे बिना पल्लवी? मैं ना एक काम करती हूँ, तुझे भी अटैची में मान के लेके चलूं? राहुल भाव जी पहले ही दिन बाहर कर देंगे मुझे। हम जब भी मिलते हैं ना, टाइम ऐसे खत्म हो जाता है पर हमारी बातें खत्म नहीं होती। जैसे तू और मंदा का पूरा टाइम बात करते हैं ना वैसे। I'm sorry. वो गलती से निकल गया, कोई बात नहीं। पल्लू अगर तुम बुरा नहीं मानेगी तो मैं तेरे से एक बात पूछूं। पूछ, क्या पूछना है? दिव्या मंदादा की तो अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले तू वहाँ कोल्हापुर में थी और दादा यहाँ हैदराबाद में। कुछ ही महीनों का कोर्टशिप था तुम दोनों का, वो भी वीडियो कॉल और मैसेजेस पे। सुहागरात से पहले ही तू उनकी विधवा बन गई। तुझे कभी उनसे वो रियल वाला प्यार हुआ था? प्यार के लिए साथ की जरूरत नहीं होती मानसी, वो मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आए थे। एक अनाथ को परिवार का सही मतलब सिखाया था उन्होंने। अगर मंदार नहीं होते तो ये परिवार और आई बाबा की अहमियत कैसे पता चलती मुझे? फिर प्यार का क्या पल्लवी, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी लाइफ में? अच्छा आज ही आ रहे हैं 4 बजे? हाँ हाँ हाँ, लड़का बैंगलोर से है ना? हाँ सतीश जी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ नहीं नहीं, लड़के वालों को आप हाँ बोल दीजिए। जी अच्छा। अरे बटन टूट गया है, मैं लगा देती हूँ ना अभी। ये तुम उस शादी वाले एजेंट से बात कर रही थी ना? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे। उस लड़के को और उसके घर वालों को पता है कि पल्लवी विधवा है? हाँ हाँ, मैंने उस शादी वाले एजेंट को साफ साफ बता दिया था कि पल्लवी की सच्चाई सबको बताकर ही उसके लिए रिश्ता लेके आना। और तभी तो लड़के वाले सारी सच्चाई जानकर भी पल्लवी से मिलना चाहते हैं। पल्लवी जानती है इस सब के बारे में? नहीं, पर मैं उसे देखिए
मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। चाहे मुझे पूरे समाज से बैर क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं अपने पल्लवी को उसके नए घर भेजकर ही रहूंगी। मेरा घर है ना, इस फैमिली का प्यार ही बहुत है मेरे लिए। मैं इन सबको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हैदराबाद के बहुत ही फेमस लूम पूजा पर बेस्ड है, तो आइए इसका मजा लीजिए। अरे आई बाबा, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, आप निखिल देशमुख के यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं। पल्लवी दी, स्माइल प्लीज। अरे अन्ना बजाइए ना, थोड़ा तेज बजाइए। ओम अयम मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु गणानां त्वा गणपति कुं हवामहे कविं कवीना उपमस्रवस्तमं। नारियल कुड़ी। విజయ్ గారు, పూజకి సమయం అవుతుంది, పదండి. చలో బేటా, పూజా కా సమయ హో గయా. హాయ్, ఆజా. మాన్సీ, సులోచనా కాకు ఔర్ అమృతా కహాన్ హై? దోనో పూజా మే నహీ ఆ రహే హై క్యా? ఉన్కే బినా హమ్ పూజా కైసే శురూ కరేంగే? మే అమృతా కో కాల్ లగా కే పూచ్తీ హూ కహాన్ రహ గయే మేరీ ఆయీ ఔర్ బహన్? अमृता, ये क्या कपड़े पहने तूने? पूजा के दिन पे तो ढंग के कपड़े पहना करो। हनी आई का है? कभी तो टाइम पे आ जाया करो तुम दोनों। तू गब्बा बस गा, मैं तेरी आई हूँ, तू मेरी आई नहीं है। चिल ब्रो, पूजा से पहले आ गए ना, इतने क्यों ड्रामे कर रही है यार। आई एनीवेज, चलो सब लोगों का वेट करे, चलो जल्दी। प्रति संवत्सरं लागे ई संवत्सरं कूडा ఈ లూమ్ పూజ మీరే చెయ్యండి. ఈసారి నేను పూజ చేయను. మాన్సీ, ఈ క్యా హో రహా హై? పల్లవి తో తెలుగు పూరి తరహ సే కబ్ సీఖేగి? సీఖ్ లూంగి నా, తూ బతా. నా కూతురు పల్లవి ఈ సంవత్సరం పూజ చేస్తుంది. ఇస్ సాల్ యే పూజ మేరీ బేటీ పల్లవి కరేగీ. పల్లవి కరేగీ. బాబా, ఆప్ యే క్యా కహ రహే హై? పూజ మే కైసే? క్యూ నహీ బేటా, మందార్ కే జానే కే బాద్ హమారే ఘర్ కో, హమారే దుకాన్ కో తూనే తో సంభాలా హై. मैं रोज दुकान का हिसाब चेक करता हूँ, जैसे प्रॉफिट दुगना होता जा रहा है वैसे ही इस घर की खुशियां भी दुगनी होती जा रही है। पल्लवी बेटा, तू वो माला है जिसने अपने प्यार और संस्कार से इस घर को, इस परिवार को बांध के रखा है। और ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। तूने अपने ससुराल के लिए जितना कुछ किया है उतना कोई लड़की कभी नहीं कर सकती। ये बात आपने सही कही दादा कि ये इसका ससुराल है और ये हमारी विधवा बहू। घर की बेटी से ही पूजा करानी है तो अमृता या मानसी से कराइए, इससे नहीं। सुलोचना, ये मेरे पति की पूजा है, बुनकर समाज के प्रतिनिधि है, वो जिसे चाहे उसे पूजा करा सकते हैं। और उनके इस फैसले में टांग गड़ाने का ना तो किसी को हक है और ना ही अधिकार। वाह वहनी वाह, ये तो दादागिरी हुई ना, मतलब घर पे भी आप दोनों की ही चलती है और यहाँ मंदिर में भी आपका ही राज। समाज के नियमों का कुछ तो लिहाज कीजिए। समाज का ज्ञान तुम हमें मत दो,
आई काकू आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ए तू गप्पा बस, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। छोटा मुंह बड़ी बात वहीनी, पर इससे जुड़ा आपका हर फैसला गलत है। इस अनाथ को आपने सर चढ़ाकर कुछ ज्यादा ही हक दे दिए हैं, जिसके ये लायक भी नहीं है। अनाथ मैं क्या बोल रही हो, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। किसी को अगर चुप कराना है ना तो अपने दादा और वहीनी को चुप कराइए, मुझे नहीं। बहुत हो गई इनकी मनमानी, आज तक शांत थी पर अब चुप नहीं रहूंगी, और अपने बच्चों का हक मैं किसी गैर के हाथों नहीं जाने दूंगी। काकू आप ये कैसी बातें कर रही है, आप नहीं चाहती मैं ये पूजा करूं तो मैं नहीं करूंगी। ठीक है, हम पंडित जी से ही पूछ लेते हैं उनकी राय क्या है। पंडित जी आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि अगर किसी ने नाश्ते में अंडे खाए हो तो क्या वो पूजा में बैठने के लायक होता है। अंडा लेदु लेदु, अंडा खा के मंदिर में आना नॉट अलाउड। अमृता बेटा आज सुबह नाश्ते में आपने 4 अंडे खाए थे ना। नहीं काकू, मैं तो सिर्फ 2 ही अंडे खाकर आई थी। अयो अंडा खा के मंदिर में आया। मैडम प्लीज आप बाहर जाइए। आई और सुनो, आइंदा से मंदिर में आते समय ढंग के कपड़े पहन के आना, समझी। वाइडी तोड़ संभालो ना, एक विधवा के लिए आप घर की बेटी को मंदिर से निकलवा रही है। इसके जिस साथ पर आप इतना इतरा रही है ना, याद रखिएगा बहुत जल्दी वो दिन आएगा जिस दिन ये मनहूस आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज आपने हमारा तमाशा बनाया, कल मैं आपका तमाशा देखूंगी। आणि तू ला तो मी बघून घे। निघा। चल अमृता। काकू ऐका ना। आई तुम्ही तरी काहीतरी बोला। पंडित जी आप पूजा शुरू कर दीजिए। आई आप मेरी बातें सुनिए ना। वल्लवी पूजेला बस। बाबा क्या मैं ये पूजा मानसी के साथ कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटा। ओम गणानां त्वा गणपति हुम्भावामहे कविं कवीनां उपवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नूतिभिः सिद्धसाधनं दुःस्वाहा श्री महागणाधिपते तन्नमः। ओम गणानां त्वा गणपति हुम्भावामहे कविं कवीनां उपवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन् नूतिभिः सिद्धसाधनं दुःस्वाहा। बेटा पूजा संपन्न हुई। पंडित जी आप मेरी दोनों बेटियों को आशीर्वाद दीजिए, यह मानसी और यह पल्लवी। मानसी की अगले महीने शादी है और मैं चाहती हूँ मेरे पल्लवी को भी कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, जिससे इसका ये विधवा का दाग हमेशा के लिए मिट जाए। वो उसे इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि इसकी ये मुस्कान कभी कम ना हो। इसकी जिंदगी में जल्दी ही कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। इसकी जिंदगी का अकेलापन जल्द से जल्द ही खत्म होने वाला है। इसे इसका साथी जल्द ही मिलेगा। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ये तय करने का हक तुम्हें नहीं है बेटा। सबकी किस्मत की दौर उसके हाथ में है। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे जिंदगी में जो तूफान आने वाला है वो आकर की रहेगा। स्टार्ट
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।